question, cause they know Brittany Mo. I hit the lot on my model, roll up July. Hello friends, this is Bhavesh Sharma. आज हम बात करने वाले हैं टाटा की तरफ से आने वाली हैचबैक जिसका नाम है पंच, जो कि इसी मंथ सितंबर में लॉन्च होने वाली है। पहले गाड़ी का नाम टाटा ने टाटा HBX रखा था, लेकिन अब उन्होंने इसे चेंज करके टाटा पंच रखा है, और जो कि सूट भी करता है इंडियन नेम के हिसाब से। ये गाड़ी टाटा हैरियर और नेक्सॉन को कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है, जो कि हैचबैक सेगमेंट में आएगा। नेक्सॉन तो मिड साइज SUV हो जाती है, और कुछ ऐसा ये दिखेगा जैसे कि टाटा अपनी हर गाड़ी में अब DRL आईब्रो शेप का दे रही है। ये गाड़ी सुजुकी के इग्निश और हुंडई के अपकमिंग कॉर्पस हैचबैक से कम्पीट करेगी। वैसे हुंडई फीचर दे पाएगी, लेकिन टाटा जैसी बिल्ड क्वालिटी वो शायद ही कभी दे पाए। ऐसा कुछ आपको इसका इंटीरियर मिलेगा, जहाँ गोल्डन फिनिश AC के वेंट्स पे स्टेयरिंग पे दी गई है। बाकी इसमें कुछ कंपास जैसी चीज़ भी लगी है, वो आने से पता चलेगा। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड है, गोल्डन फिनिश आपके गियर पे भी है। और ये है इसका रियल इमेज, जो कि पंच के इंटीरियर का है। और इसका स्पीडोमीटर कुछ टाटा के अल्ट्रॉस जैसा है, तो नो डाउट इंजन भी सेम ही होगा मेरे ख्याल से, 1.2 लीटर वाला। लेकिन मेरे ख्याल से टाटा को इसको चेंज करना था एटलीस्ट 1.5 लीटर। बात करें इसके अपर वेरिएंट्स के, तो आपको अपर वेरिएंट्स में इनमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और अगर लोअर वेरिएंट्स की बात की जाए तो उस पर स्टील रिम्स ही मिलेंगे। बाकी रोड पे इसकी टेस्टिंग चल रही है, और टाटा ने जैसे कि इसको सेप्टेम्बर में लॉन्च करने को कहा है, तो मे बी ये हो भी सकता है सेप्टेम्बर में लॉन्च। बाकी इसको अलग अलग ट्रेन में जाके चेक किया जा रहा है, इसकी कैपेबिलिटीज़ देखी जा रही है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन एज हैचबैक ये ठीक है कि इस पर 16 इंच के आपको अलॉय मिल रहे हैं, टायर मिल रहे हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस उतना कम है नहीं। आप इसको छोटे मोटे टेरेन में ले जा सकते हैं, जैसे नेक्सॉन भी ठीक ही है। और यहाँ ऐसे टेरेन में 1.2 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन, क्योंकि अब ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 लीटर और 2 लीटर में डिफरेंस हो जाता है। अगर हम इसके रियर लाइट की बात करें, तो मुझे तो पर्सनली ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये जो है नेक्सॉन जैसी थोड़ी लग रही, तो थोड़ा इसको ना पीछे से ऊपर करना चाहिए, जो नेक्सॉन जैसे छोटी लगती है पीछे। लेकिन लोग इसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। फ्रंट में इसका आपको हेलोजन ही लाइट्स ही मिलेंगे, वो HID होगी लेकिन हेलोजन होगी, और नीचे आपको फॉग लैम्प का भी ऑप्शन है। बाकी अपर वेरिएंट्स में ये LED लाइट्स दे सकते हैं, वैसे तो ये हैरियर और सफारी में भी नहीं आते, बाकी मे बी ये हैचबैक पे दे। अगर बात आती है इसके बिल्ड क्वालिटी पे, तो टाटा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती बिल्ड क्वालिटी पे, तो हो सके ये गाड़ी भी 4 स्टार से कम ना लाए। और अब आते हैं इसके फाइनल चीज़ के बारे में, जो कि है इसका प्राइस पॉइंट। तो ये गाड़ी आपको 6 लाख से 7 लाख के बीच मिल जाएगी, जो कि इस प्राइस पे बेस्ट है। और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आने वाला है, जो कि पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के बाद आएगा, और टाटा ने अभी उसके ऊपर कुछ रिवील नहीं किया है। तो ये था टाटा पंच का बेसिक इन्फॉर्मेशन, और बाकी इसके फीचर्स आने के बाद ही पता चलेंगे। और स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।